देखिए अब तक 6 महीने से हम बराबर बहुत शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे थे, लेकिन चूँकि हालात ऐसे थे कि जिसकी आज से कोई जोर जबरस्ती नहीं थी, दिल मिला के रह जाते थे जब मस्जिदों को वीरान देखते थे, बहुत एहसास होता था, शिद्दत के साथ एहसास होता था, कौम के जज्बात भी सामने थे, लेकिन सिवाय इसके कि सब्र करो कुछ नहीं। हमें वैसे भी शरीर को भी हुक्म दिया जाता है कि हम एहतियात बरतें, हम अपनी तरह से पूरी एहतियात करते हैं, कदम कदम पर हमें एहतियात की दावत दी गई है। उसी एहतियात का तकाजा था कि इस मौके पर भी पूरी पूरी एहतियात की जाए ताकि एक से दूसरे को ये मर्ज लग कर और ये मर्ज आम ना हो जाए। आम फिर भी हुआ, बहुत कोशिशों के बावजूद हुआ और अब बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल पैदा हो गई, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि इधर आके अब कुछ थोड़ी बहुत कमी आ रही है, जिसकी वजह से मस्जिदों के लिए भी कितन भी तवज्जो की है। बार बार के साथ किया जाता था, हम लोग बराबर यहाँ से फूल जाते हैं, मैं कई मरसा इस प्रोग्राम साफ़ से भरपूर बात होती थी, लेकिन रहे के मजबूरियाँ थी। अब जब मैंने अभी परसों उनसे बात की तो फिर 100 लोगों की इजाज़त थी कि मस्जिदों में 100 आदमी हों, लेकिन खुले जगह ना हो, मस्जिदें बंद होती हैं तो ज़ाहिर अंदर मस्जिदों में बहुत से बाहर निकल के ना आए, वो नमाजी बाहर निकल के ना आए, जब नमाज से पारो हो जाए तब तक तो घर चले आए, तो इसी का लिहाज रखा जाएगा। तो 100 आदमी हैं अपने, ये है पूरी एहतियात से जाएँ घरों में, उसे वजू करके जाएँ, जाके वहाँ पर सिर्फ जमात पर शरीक हों और जमात से फारिग होकर छोटी सी दुआ मांग कर वो अपने अपने घरों को आ जाएँ, घर में आकर सुन्नत अदा करें। ये तो जुमे के लिए नमाज की एहतियात है, इसके अलावा ये कि मास्क वगैरह बांधे हुए हों और समाज जो फासले वगैरह होते हैं वो फासले भी बरकरार रखा जाए। लेकिन वह 5 वक्त नमाजों की भी एहतियात करनी है कि वहाँ पर भी तमाम चीज़ों का इसका लिहाज रखना है, ऐसा ना हो कि सोके से जुमे की पाबंदी हर नमाज के लिए है 5 वक्त की नमाज में, जाने भीड़ भाई इकट्ठी रहो और लोग। तो ये हमारी तस्वीर के आने में बाकायदा लेटरपेड पर वो कर दी गई है, लोगों को बता दिया गया है, लेकिन चूँकि आपकी ख्वाहिश है तो इस ख्वाहिश को मैं ये है कि ये हमने जारी कर दिया है और इसका पूरा पूरा लिहाज रखना है।